अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा दिल है हम अपनी गाड़ी को स्ट्रेट पाइप करें। हालांकि है तो स्ट्रेट पाइप है सारी नीचे से, लेकिन वो पुराने वाली लोहे जंग वाली है जिसके अंदर सारी तोड़ो तोड़ सुराख ही सुराख है और सारी खराब है। स्टील है, स्टील के अंदर कराना है 2 इंच के अंदर। मेरा ब्रीक साउंड निकले मजेगा। एक हमें आईसी वेंस वालों की तरफ से एक बड़ा प्यारा पीआर आया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बड़े ही खूबसूरत किस्म का एग्जॉस्ट है, एक्चुअली एग्जॉस्ट नहीं है, एग्जॉस्ट टिप है। चेक करो इसको, हमने जी फिट करवाना है एग्जॉस्ट बनवा के। गाड़ी हमारी जरा हो गई गर्म, 4 दिन में बैठ गई यार। इसको ना आज डेंटर से भी मिलें जाके, ये जो सी चीज़ है ये जाके सही करवाएं इसकी। डेंटर से पूछें कि इसका कितना खर्चा आना है, गाड़ी का ना पेंट का कितना खर्चा हमारा, वो भी सब डिस्कस करें सारा। गाड़ी भी यार पेंट करवाएं जी। क्लच की तार टाइट करा रहे हैं, क्लच फुल नीचे बैठ गया था। साथ हमारे हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम भाई ने। हम जा रहे हैं जी इसका स्ट्रेट पाइप कराने। उस्ताद जी काम शुरू करने लगे हैं। यहाँ से बॉस ने पाइप काटना है, तोड़ वो सीधा लेके जाना है, एक बेंड डालना है और बेंड से आगे फिर उन्होंने मोटा पाइप करके पीछे हमारा एग्जॉस्ट लगा देना। ये चीज जो उसे ना गांच ये सारा तुरवाने लगे हैं ना। रोला ये था, वो कह रहे थे कि इसके अंदर हम बेंड करते हैं ना तो वो टोया पड़ जाना। ठीक है, टोया पड़ गया तो आवाज तो सारी बंद हो जाएगी। तो आवाज बंद होगी फिर फायदा क्या स्टील के पाइप का? स्टील के पाइप का मजा फिर आता है कि आप फिर पूरे बेंड लो, उसके बेंडो को बेल्ट कराओ। बड़ा लंबा खर्चा जा रहा था। मैं कहा यार आप काम करो, स्टील का पाइप लगाओ। वो हमारा वो किधर गया स्टील का? गाड़ी में रख दिया। वो बहुत कह रहा है मैं उसकी सेटिंग बनाता हूँ, एंड पे ये वाला पाइप लगाएंगे मोटा, इसके साथ बना के तो जी इसके साथ ऐसे थोड़ी सेटिंग करके ना इसके ऊपर लगा देंगे। बाकी स्ट्रेट पाइप वो दूसरा ही लोहे वाले लगवा दिया। ये जो पूरी मशीन होती है इनकी, नीचे से पैक होती है, अंदर ये डाई होती है। जो से साइज का पाइप हो उस हिसाब से डाई लगाते हैं। वो पीछे बेंड करने लगे इस तरह जी। वाह जी वाह, उसने क्या जी काम थोड़े भी है। ये हमारा उतर गया, ये देखो ना, ये सारा यहाँ से फट गया हुआ था। इसका सारा साउंड यहाँ से लीक हो रहा था, यहाँ से भी बड़ा गंदा पाइप था तोड़ो तोड़। ये स्ट्रेट पाइप था जी हमारा पहला। कलर स्कीम हम पूछ आए हैं बॉस से, बॉस ने कहा जी 14 अगस्त के बाद आपने आना है, गाड़ी आपको हम कर देंगे पेंट। तो पाइप हमारा उतर गया। ये हैं जी हमारे स्टार साइलेंसर वर्क। ये है जी सामने साथ आ गया रूट्स, ये पिंडी बाईपास वाला आ गया। ठीक है, वो सामने टॉप का फैटक का पंप है और ये कोई मैं ऐसे कोई दरबार शरबार है उसके साथ है जी स्टार साइलेंसर वर्क। तो जी ये पीछे स्टील की चादर लगा रहे हैं, उसके अंदर सुराख कर देंगे पिंडा पाइप के अंदर। वो पाइप पड़ा हुआ पीछे मोटा, वो वाला लगा ये भी हो जाए। ओके भाई जाना जाए वैसे ही मांडा मार दें आज। बिस्मिल्लाह।
से भाई बुरा हाल हो गया हुआ। दिखाता हूँ, बहुत प्यारा हुआ, लेकिन मुझे इसका साउंड पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसकी जो पाइपलाइन है ना, अब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। आगे ना बीच में से फटी हुई थी, तो आवाज़ ना ज़्यादा फैल रही थी। अब उतनी नहीं फैलती क्योंकि अब सिर्फ पीछे चली गई आवाज़ सारी ना। अच्छी आवाज़ है, पीछे से बहुत लाउड है, लेकिन उतना नहीं जितना, मतलब बहुत ज़्यादा लाउड हो गया। पहले ज़रा ना ब्रीक था, अब मोटा हो गया साउंड, जैसे पूरा ऐसा मोटा आ गया। पीछे उसने वेल्ड कर दिया, उसके साथ ये साथ आ गई पतरी, नीचे से तोड़ो तोड़ सारा स्ट्रेट नेल पाइप आ गया। चेक करो यार, वैशी हुए वीआईपी, बड़ा वैशी लग रहा है। तो जी यहीं पेंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करते हैं कि डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करें। कल हफ्ते वाले दिन हम इसके कराना है ब्रेकों का काम, और फिर आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।